हेलो जी, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं चाचा भतीजा व्लॉग्स, आफ्टर फाइव डेज वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार असल सी बात ये है ना कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। ये चार पाँच दिन बाद व्लॉग आ रहे हैं, मैं क्योंकि कहीं भी नहीं गया। आप मानोगे, हम कहीं भी नहीं गए, सारा दिन कहीं घर ही रहते हैं, तो इसलिए कुछ खास व्लॉग नहीं बना रहा। जब पाकिस्तान जाएंगे तब इंशाल्लाह कोई अच्छा सा कंटेंट ढूंढेंगे, तो फिलहाल तो भी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। पाकिस्तान जाके स्टडी भी करनी है, बहुत रोले होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिलहाल तो भी मेरा कोई सीन नहीं है कि कहीं कहीं जाएंगे। अभी हम मैंने कहा चलो अभी नहा धो के मैं बाहर निकला हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल किसी का कोई सीन नहीं है, जो सारे अपने अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम सिर्फ एक ही वेले हैं जो यहाँ पर वेले बैठे हैं सारा दिन, पाँच दिन जितने भी। अब ये जो दिन गुजरे हैं ना, लास्ट वाले। और हाँ, आपको एक बात बता दूँ, हम 23 को पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है। टिकट वगैरह हमने सारी ओके करा दी है, हमारा सामान ज़्यादा हो गया था, आज सामान हमने करा लिया कार्गो, और आज सामान जो हमें पूरा आ गया था वो हमने ले लिया है, ठीक है। एक हमारा हैंड बैग, ठीक है, जो हम पकड़ेंगे, और एक हमारा जो लैपटॉप होगा वो भी हमारे हाथ में होगा, और हमारा एक स्कूल वाला बैग जो होता है वो एक वो बैग, और ठीक है दो बैग में तीन बैग ही मेरे ये हो गए, और एक बैग मेरा जो 40 किलो होंगे, दो बैग 20-20 किलो के दो बैग मेरे हो जाएंगे, ठीक है वो। तो फिर हम जाएंगे पाकिस्तान, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सबसे मिलेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। फिलहाल तो हमारे जो था दादू, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसकी टेंशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्ट हो गई है, टेस्ट वगैरह हो गया, उनकी रिपोर्ट क्लियर आई है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फिलहाल अभी तो मेरा किसी किस्म का कोई सीन है कि हम अब क्या करेंगे। व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। मेरा कॉन्टेंट वगैरह है नहीं है, ठीक है। सारे गाँव के जो हमारे मामा मीनान थे, ठीक है, उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, दो हफ्ते हो गए उनकी तबीयत भी ख़राब है, ठीक है। उनको बुखार वगैरह, उनको मलेरिया हो गया, ठीक है, बस ऐसे ही अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीन उम्र भी कर लिए हैं, जिस जाकर तक मेरा वो वाला ब्लॉग देखा, उम्र वाला जाके वो ब्लॉग देख ले, ठीक है। और जिससे जाके मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे 84 हो गए, आई थिंक 84 हो गए सब्सक्राइब, बाकी रह गए हैं 14 सब्सक्राइबर रह गए मेरे 100 में से, वो 100 पूरे करा दो, एक महीना हो गया कि आप कह रहा हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, आप करवा ही नहीं रहे, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। और तो अभी फ़िलहाल मुझे भूख लग रही है, अभी हम जाएंगे बकाले पे, बकाले कुछ खाने में सामान ले के आके फिर देखते हैं उसके बाद क्या सीन है। अगर कुछ अच्छा खासा सीन हुआ कि हम कहीं जाएँगे तो फिर व्लॉग मतलब आगे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर व्लॉग एंड कर देंगे। तो फिलहाल चलते हैं जी अभी बकाले पे। तो जी गाइस, अभी ये मैंने एक पॉपकॉर्न लिया है, ठीक है, दो लिए हैं इमदाद। तो आज मैच भी है पेशावर जर्मी का और कराची का, मेरी टीम जो मुल्तान है, आप अपनी जो टीम है वो करें कमर में, ठीक है। तो आज मैच होगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये जो मुल्तान है, पहला मैच था लोग था वो भी हार गई, ठीक है। चलो कोई पानी शुगर लगाना है, बस कोई बात नहीं है, हर बार मेरी टीम मुल्तान ही होती है, ठीक है। तो चलते हैं अभी घर, फिर अभी मैच होने वाला है, तो जाके मैच देखते हैं, फिर जैसे क्या सीन है। हेलो, गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो गया जी 12:38 हो गए हैं, ठीक है। मैं तकरीबन 10:30 उठा था, तो कल रात में मैच देख के ना सो गया था, बहुत लेट हो गई थी, तो हम कल कहीं भी नहीं गए, ठीक है, और इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। आज भी मेरे कुछ मेरे पास व्लॉग के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आज मैं बताता हूँ आपको कि मेरे न्यू जॉय रूम के एयरपोर्ट आ रहे हैं, जो मेरे खालू हैं वो लेके आएंगे, उन्होंने कहा था कि मैं तेरे लिए लेके आऊँगा, तो फिर अभी तकरीबन रात को आएँगे ईशा के टाइम, तो जब काम से आएँगे तब वो लेके आएँगे, तो वो भी एयरपोर्ट देखेंगे। वो मेरे पास आगे तीन पड़े हुए हैं, एक जॉय रूम प्रो पड़े हुए हैं, और भी एक वैसे जॉय रूम आ जाएगा, तो बहुत ही अच्छे एयरपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो एक ये खुश बैंड मतलब गुड न्यूज़ है, गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और मैं बहुत ही एक्साइटेड पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर बस हो गया रह रह के, तो भी टाइम हो गया जी नमाज का, नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद टॉयलेट मिलते हैं ऐसा टाइम, तो चलते हैं जी नमाज पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। हेलो जी, तो आपको मैं अभी एक चीज़ दिखाऊँगा, तो उससे पहले आप मेरा ये हाल देखो, ये आप देखते सारे मेरे हाथ वगैरह, बड़े कपड़े वगैरह सारे काले वगैरह, मेरे वो भी आपको काला काला नज़र आ रहा होगा, और ये मेरा यही भी आप देखें सारा काला हो गया है। तो मैंने आज भाई की है वेल्डिंग, मैंने आज बनाया है कुछ मैंने
टाइम वेस्ट किया है, मेरा टाइम बहुत ही मुश्किल गुजरा था। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मोबाइल आप मानेंगे नहीं, मैं मोबाइल देख देख के मेरे दिल को ना कुछ हो रहा था ना, मतलब अजीब सा फील हो रहा था। मैं सारा दिन मैं हर चीज़ देख ली, मैंने टिकटॉक देख ली, यूट्यूब, कोई दिल नहीं कर रहा था। तो मैं सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। तकरीबन सुबह का लगा हुआ हूँ और ठीक है, दिखाऊँ तो जो मैंने चीज़ बनाई है वो बहुत ही तकरीबन ऐसे बस टाइम पास किया तो अच्छी चीज़ बन गई मेरे ख्याल से। 1 2 3 अंगी, देखो भाई ये जी मैंने बनाया स्टार, ये लग गया, ये देखो आपके भाई को वेल्डिंग आती है, इतना भी नहीं आती, बस डर डर के मैं पहले 2 महीने मतलब मैं यहाँ काम तो सीखने नहीं आया, लेकिन बस बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन ना सारा हाथ में मुझे ना तब तो फील नहीं हुआ, अब मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि ना थोड़ा मतलब इसे हम कहते हैं जला हुआ थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, जहाँ जहाँ होते चिंगारियाँ गिरी हैं ना, ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ निशान डल गए हैं, वो अब मुझे फील हो रहा है कि मैं घंटा को थोड़ी देर फील हो रहा है मुझे। तो ये जी आपके भाई ने साथ में बनाया है, तकरीबन ये देखें ये मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाया, ये देखें ये सारा मैं ये इसलिए ख़राब क्योंकि मेरे मामू दोनों मैं गया था अंदर पानी पीने के लिए, तो उन्होंने सारे यहाँ पर मोहरे कर दिए, ये आपको ये भी मोहरी नज़र आ रही होगी। तो ये सार देखें ये मैंने बनाया सारा सारा भी बनाया, एक बस टाँका जो है ये यहाँ लगते हैं ये बना सकते चाचू ने मेरे, बस तब सारा मैंने बनाया। तो टाइम पास करने के लिए मैंने यही सोचा, फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था तो मैं क्या करता, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। तो तकरीबन मेरा सारा दिन बहुत ही मसरूफ गुजरा, अच्छा लगा मुझे बहुत ही, मतलब टाइम सारा दिन मोबाइल देख देख के आँखें ख़राब होती हैं। हाँ इसको एक और बात, तकरीबन मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी, आँखों में जो होती है ना रॉड की लाइट जो होती है वो भी आँखों में डल जाती है, लेकिन मैं आना लगा के काम किया तो थोड़ा फ़र्क होगा, मुश्किल ही हुई। तो जी जिसको ये पसंद आया हो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आपको तकरीबन दिखाता हूँ जी सारा दिखाता हूँ, मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाया, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आपकी मर्ज़ी है। तो जी ये देखो भाई अंगी, आपका भाई तो कारीगर बना हुआ यहाँ पर आके, तो हमारे पास तो कोई दुकान ही नहीं है, हम बस यहीं पे फिरते रहते हैं। तो यार बात सुनो मेरी, जहाँ ना मेरे दोस्त हैं ना कोई भी नहीं है, सिर्फ मामू बड़े बड़े हैं, तो मेरे इतना किसी से मजाक तो नहीं है, ठीक है। बस एक मामू मीना ना थोड़ा थोड़ा मजाक कर लेते हैं, दोस्त तो कोई किसी का कोई सीन नहीं है, ठीक है। शरीफ सब चबाना हूँ और हूँ मैं शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। तो पाकिस्तान जा के जो मज़ा आने वाला है ना वो यहाँ मुझे मज़ा नहीं आया। अपनी बाइक होगी ये स्कूल 2022 मॉडल हमारा 125/0 मीटर में लेके, जो मैं 1 मिनट चलाया सिर्फ वैसे 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 खड़ा हुआ है, जो मैं चाचू बस वो चलाते चलाते हैं तो वो इतना चलता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ बनी है कमाल चीज़ बनी है, ठीक है। और जिसने आकर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाके टचअप जाए व्लॉग गैन ज्वाइन कर लो, ठीक है। आई होप को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, 2 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया था इसलिए मेरे व्लॉग थोड़ा लेट हो गया था, 5-6 दिन, आई एम रियली सॉरी। और जिस जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब भी देगा जाकर सब्सक्राइब करो और 100 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे करा दो प्लीज़। जिसने भी जा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई प्लीज़, 100 सब्सक्राइबर मेरे पूरे होने वाले हैं। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रहा हूँ, मिलता है आपको इंशाल्लाह कल सुबह।